इंसान जो है अपने आप को डिफाइन कर ले कि मैं बाप हूँ, और जिस तरह बच्चे उसको इब्तिदा में डिफाइन करते थे वो समझे कि वो वैसे ही डिफाइन करते रहेंगे, और जब बच्चे बड़े हो गए और उसके हाथ से स्ट्रिंग्स निकल गई तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम लूज कर देते हैं। सेल्फ एस्टीम जो है वो डिफाइन ही आप अपने अपने नोशन ऑफ एसेंस से कर रहे हो क्या? जिस चीज़ को आप अपनी मिसाल के तौर पे एक इंसान ये समझे कि वो इज्जत के लायक इसलिए है कि वो मर्द है, या वो गोरा है, या वो ब्लैक है, या वो राजपूत है, या जिस चीज से भी वो अपने आप को डिफाइन करना चाहे, अगर उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो उस नोशन के साथ जुड़ी हुई है और वो उसके तब्दील हो जाए तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम खो दे। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग अपने आप को डिफाइन करते हैं और अपने आप को डिफाइन करने के बाद उस डेफिनेशन के गुलाम बन के जिंदगी गुजारते हैं सारी जिंदगी, और जब उनके हाथ से वो चीज निकलने लगती है तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम खो देते हैं। या आपने अपनी कोई डेफिनेशन बनाई और आपके इर्द गिर्द के लोगों ने उस डेफिनेशन को कबूल करने से इनकार कर दिया, ये भी पॉसिबल है। आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपके इर्द गिर्द, जैसे इंसान जो है अपने आप को डिफाइन कर ले कि मैं बाप हूं, और जिस तरह बच्चे उसको इब्तिदा में डिफाइन करते थे वो समझे कि वो वैसे ही डिफाइन करते रहेंगे, और जब बच्चे बड़े हो गए और उसके हाथ से स्ट्रिंग्स निकल गई तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम लूज कर देते हैं। वो सिर्फ बाप ही थोड़ी था, वो और भी तो कुछ था ना। वो इसी तरह जिस डेफिनेशन को भी आपने लिया है उस डेफिनेशन की जो फिक्सेशन है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। तो वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि इंसान अपनी सेल्फ एस्टीम को जो है वो डिफाइन करे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ एस्टीम को डिफाइन कर लेते हैं उस सिस्टम ऑफ राइट से जो स्टेट ने गारंटी की है, जैसे सब लोग उस सिस्टम ऑफ राइट को रिस्पेक्ट करेंगे, और जैसे ही किसी ने उस सिस्टम ऑफ राइट को रिस्पेक्ट नहीं करे तो फौरन उनकी सेल्फ एस्टीम नीचे आ जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से, जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग जो थे, आप लोगों को पता ही होगा सिविल वॉर के बाद अमेरिका के अंदर, सिविल वॉर क्यों हुई थी अमेरिका के अंदर, इस बात पे हुई थी सिविल वॉर के साउथ के अंदर जो थी स्लेवरी, वो नॉर्थ कह रहा था कि आज़ाद करो स्लेवरी, स्लेवरी ख़त्म करो, तो लोगों ने जंग लड़ी और 5 साल जंग लड़ने के बाद साउथ डिफीट खा गए और लोग आजाद हो गए। तो जो लोग आजाद हुए लोग समझे कि अब हम आजाद हो गए वाकई, तो वो बेचारे अपने कपड़े वपड़े पहन के सूट वूट पहन के आ गए बेचारे फ्लैक्स, लोगों ने उनकी इस बात पे पिटाई की कि तुमने सूट क्यों पहना, उन्होंने कहा भाई अब तो हम आजाद हो गए ना, उन्होंने कहा वो तो तुम 1776 में भी हमने कहा था कि तुम आजाद हो गए, तो हो गए क्या तुम आजाद। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी सेल्फ स्टीम खो दी होगी ना, बहुत सारे लोगों ने अपनी सेल्फ स्टीम खो दी होगी। तो बहुत सारे लोग, यानी कि बर्लिन ओलंपिक्स के अंदर जेसी ने जो है 4 गोल्ड मेडल जीते थे, और जब उसने गोल्ड मेडल जीत लिए तो उसको हिटलर जो था वो जो भी गोल्ड मेडल जीतता था
उसको सुप्रीम एथलीट के तौर पर रिकग्नाइज करते थे। अगर कोई आदमी ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल ले रहा है तो वो सुपीरियर एथलीट है, सुपीरियर जीन्स है, सुपीरियर ब्लड है वो। तो हिटलर उससे ऊपर बुलवाता था और उससे हाथ शेक हैंड करता था। जब जैसी जो अमेरिकन था और ब्लैक था वो गया, तो उसको ऊपर जब वो गया हाथ मिलाने, तो जो उनका मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट था जर्मनी का, उसने कहा व्हाट डू यू थिंक दैट हिटलर इज गोइंग टू शेक हैंड विद दिस थिंग। तो वो आदमी बगैर हाथ मिलाए वापस आ गया। तो हिटलर तो एक रेसिस्ट था, हिटलर ने किया गलत किया ना। जैसी जब वापस आ गया अमेरिका वापस आ गया, तो जैसी को बुलाया व्हाइट हाउस में दावत पे। तो जब वो मेन गेट से एंटर होने लगा, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम तो ब्लैक हो, तुम मेन गेट से एंटर नहीं हो सकते व्हाइट हाउस में। तो पीछे से किचन के रास्ते उसको लेके गए। लेकिन जैसी ने अपनी सेल्फ स्टीम लूज नहीं की, हिटलर ने हाथ नहीं मिलाया तब भी लूज नहीं की, और जब उसे व्हाइट हाउस में अंदर नहीं जाने दिया तब भी उसने लूज नहीं की, उसने कहा दिस कलर ऑफ माई स्किन हैज बीन गिवन बाय द गॉड एंड दीज स्टेटस आर बीन गिवन बाय दीज पीपल, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द स्टेटस गिवन टू मी बाय माई गॉड। ये उसकी पोजिशन थी। तो इंसान की जो एसेंस होती है ना, जो वो सेल्फ स्टीम होती है, वो अपनी सेल्फ स्टीम के लिए कैसा फ्रेमवर्क रखता है दुनिया में। वो एक स्पोर्ट्समैन था, उसको एक गोरे आदमी ने ट्रेंड किया था जो उससे मोहब्बत करता था। लिहाजा हिटलर ने या जर्मन्स ने उसके साथ क्या किया या अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी ने उसके साथ क्या किया, जेसी के लिए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने उसने सेल्फ स्टीम को इस तरह से डिफाइन किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी सेल्फ स्टीम को कैसे डिफाइन करते हैं। दुनिया में लोग आपको आपकी वजह से नहीं, अपनी डेफिनेशन की बुनियाद पे पहचानते हैं। यूनिवर्सिटी में एमफिल पीएचडी की क्लासेस होती है थी, तो उसमें जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते थे उनकी एक साथ मैं एक क्लास लेता था फिलोसफी ऑफ साइंस की। तो मैं क्लास लेने के लिए, पहली क्लास लेने के लिए जब मैं गया, तो वो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, उसमें बहुत रश भी लगा हुआ था। तो मैं जब वहाँ जाने लगा, तो उसने कहा कहाँ कहाँ चले जा रहे हो भाई। तो मैंने कहा मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। तो उसने कहा सभी क्लास लेने जा रहे। मैंने कहा भाई मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कहा अच्छा आप पढ़ाने जा रहे हो, चले वहाँ जाके बाइक बाहर निकाले भाई। मैंने कहा देखो भाई मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, टीचर हैं आप? मैंने जी मैं टीचर हूँ। अच्छा टीचर हैं, जाए वहाँ चले जाए, बाहर भगा दिया। उन्होंने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि ये आदमी, इतने सारे लोग कैसे इससे पढ़ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, झूठ बोल रहा है ये, कोई नंबर दो आदमी है जाके पीछे एसी में बैठना रहता है। यूनिवर्सिटी में एक रवैया है, यूनिवर्सिटी में जब बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं ना और गर्मी ज्यादा होती है, तो बहुत सारे लोग इररेलेवेंट लोग आके पीछे बैठ जाते हैं, वो उनका कोई लेना देना नहीं होता उससे, सिर्फ एसी में बैठने के लिए। तो वो ये समझा, मैं वापस अपने डिपार्टमेंट चला गया। उसके बाद फिर जब डीन का फोन आया, डीन ने कहा अच्छा हम हमने पहचान नहीं पाए होंगे, अब हम इंशाल्लाह एस्कॉर्ट करेंगे आपको अंदर तक पहुंचाने के लिए, कि देख लो यही है, यही पढ़ाएगा आपको। तो अगर मेरी सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती फौरन, तो दुनिया में आपकी जो सेल्फ स्टीम है ना, उसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी भी आपकी और डिफाइन करने की जिम्मेदारी भी आपकी। अगर आपने बहुत किसी किसी स्लिपरी जगह पर, वही फिर मैं यही कहूंगा, स्लिपरी जगह पर खड़ा नहीं होना चाहिए। पहला उसूल है कि मजबूत जगह पे खड़े होना चाहिए।
ताकि आपके कदम जमे रहे, सही है। तो सेल्फ स्टीम को लोग एसोसिएट नहीं करना चाहिए कि लोगों ने, हुकूमत ने ये कह दिया आप मेरी सेल्फ स्टीम ये हो गई, अब इन्होंने ये कह दिया मेरी सेल्फ स्टीम ये हो गई, लोग सब जमा हो गए, उन्होंने तालियां बजा दी, मेरी सेल्फ स्टीम ये हो गई, मैं फेसबुक पे आ गया, मेरी सेल्फ स्टीम ये हो गई, मुझे इतने लाइक्स मिल गए। ये सब बहुत ही खौफनाक और अहमकाना चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पर दुनिया में ये चीज़ें शफल कर सकती हैं, उसमें हमेशा ख़तरा होता है कि आप अपने आप को डैमेज करें।